हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो नेहरू युवा केंद्र से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यह होता क्या है और इसमें वॉलंटियर का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं वॉलंटियर के काम की, कि इसका काम क्या होता है। यह युवा क्लब और विकास विभाग के बीच में बॉन्डिंग बनाए रखना होता है और अपने द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट बनाकर ऑनलाइन अपलोड करनी होती है। इसके अलावा अपने ब्लॉग के किए काम का यूथ प्रोफाइल बनाकर उसे भी अपलोड करना होता है। दोस्तों, इसमें वॉलंटियर को मीडिया के लिए न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करना आना चाहिए और गवर्नमेंट ऐप जैसे डिजिधन, डिजिटल इंडिया यूज़ करना आना चाहिए, जो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों, थोड़ी सी नॉलेज से आप सीख सकते हो। ओवरऑल दोस्तों, सिंपल वे में बात करूँ तो यह एक समाज सुधार संगठन होता है, जिसके तहत वॉलंटियर द्वारा किए गए काम की रिपोर्ट बनाकर ऑनलाइन अपलोड करनी होती है। और इसकी सैलरी की बात करें तो दोस्तों, सैलरी कम होने के कारण ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते, बट जिससे समाज सुधार का चस्का होता है वो ज़रूर करता है। तो इसकी सैलरी 5,000 रुपये होती है। शुरू में तैनाती सिर्फ 1 साल की होती है, उसके बाद वॉलंटियर का काम अच्छा हो तो सैलरी इंक्रीज़ होती है और तैनाती का पीरियड भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो दोस्तों, पंजाब में यह इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। जिस भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है वो इंटरव्यू के दौरान 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट की कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाएँ। और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।